नमस्कार प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के बीच में बहुत दिन के बाद आया हूँ आज। और ये लोकेशन जो है रामघाट है, और आप लोग एक बार जरूर देखिए रामघाट को। ये है चित्रकूट का पहाड़, और जो लोग जाते हैं यहाँ पर, और ये सब जो दिया जलाते हैं दिवाली के दिन, और वही पहाड़ के साइड में दिख रहा है, पूरा लोकेशन दिख रहा है। तो आप लोग जरूर दिवाली पर जाइए और यहाँ पर आप लोग दीपक जरूर जलाइए। ये चित्रकूट का मंदिर है, और बहुत प्यारा मंदिर है, जो यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे मंदिर है चित्रकूट धाम में, और वहीं का ये मंदिर है। और इसी लोकेशन पर रोहित यादव जी ने पहुँचे हैं, तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो रोहित जी अभी पूरा पूजा में व्यस्त हैं, और इसके बाद उनकी फिल्म आ रही है नई, तो ये सब है जो दिया जलाने का, दीपक जलाने का नया नया अलग अलग लोकेशन और अलग अलग मंदिर और अलग अलग जगह है। तो यहाँ पर भी वो उन्होंने अभी दीपक जला रहे हैं, और आप लोग जरूर ये वीडियो को पूरा देखें। और एक इस अच्छा स्थान का जगह नया नया मतलब जगह है जो, और पहाड़ के एक एक साइड में और एक एक कोने पर जो दीपक जलाया जाता है। और अभी यहाँ रोहित यादव जी और उनके बड़े भैया बैठे हैं, ये और उनके बड़े भैया जी हैं, और दोनों भाई, और अभी दीपक जला रहे पहाड़ के साइड के में, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वो लोग। और यहाँ पर दिवाली के दिन दीपक जलता है, और जो दीपक जला रहे अभी दोनों भाई बैठे हुए हैं, और रोहित जी के बड़े भैया हैं, और रोहित जी अभी शायद उठ चुके हैं। तो आप लोग जरूर जाइए और आप लोग यहाँ एंजॉय करिए, और घूमने का बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छा लोकेशन है। तो आप लोग जरूर जाइए और वहाँ पर आप लोग अपनी दीपक जलाएं, और आप लोग पूजा करने के लिए जरूर जाएं, और आप लोग इस पे जाएं दिवाली पर जरूर वहाँ पर पहुँचे उस जगह और उस लोकेशन, बहुत प्यारा लोकेशन। यह जो जगह है जहाँ पे राम जी बैठे थे और जिस जगह पे रुके थे, और ये उनका मतलब मंदिर है और उनका गुरुद्वार जो बना हुआ है, और यहाँ पर उनका जो पैर है, राम जी का जो पैर का मतलब निशान है, और यही मंदिर यहाँ पर मंदिर बन गया है, और राम जी यहीं पर बैठे थे, और उनका जो पैर का निशान बना हुआ है ये जहाँ पे चावल गिरा हुआ है, और यहाँ पर राम जी यहाँ रुके थे, तो यहीं पर है और जो चित्रकूट बोलते हैं। तो आप लोग जाइए और बहुत कुछ यहाँ पे देखने का मिलेगा, बहुत अच्छा चीज़ है। और जो चित्रकूट और पूरा उन्हीं का ये जो है यहाँ पे जो रुके हुए थे, और आप लोग जरूर जाइए और आप लोग देखिए नई चीज़ें कुछ देखें, और बहुत अच्छा लगेगा। और रोहित जी तो पूरे लोकेशन पर पहुँच गए हैं, और आप लोग इंजॉय करिए और ज़रूर घूमिए और जाके, और चित्रकूट का मंदिर जाइए। उसके बाद ये मंदिर से जब यहाँ से निकल के फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ता है, ये है अपना, ये है यहाँ पर मतलब जब चित्रकूट से आदमी वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे नहाने आते हैं, ठीक है। और ये है बहुत अच्छा लोकेशन जगह है जो, और बहुत प्यारा जगह है जो, ये सुजावन देवता, जो सुजावन देवता के नाम पर ये मंदिर मशहूर है, और यहाँ बहुत सारी फिल्में भी शूट हो चुकी हैं, और बहुत प्यारा लोकेशन है। और यहीं पे कुछ दिन पहले रोहित यादव जी का फिल्म भी, फर्स्ट फिल्म शूट हुई थी प्यार की ताकत,
रोहित यादव जी का इसी लोकेशन पर फिल्म शूट हुई थी प्यार की ताकत, और बहुत प्यारा उनका और फिल्म भी शूट हुई थी और बहुत प्यारा लोकेशन भी है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी शूट हो चुकी है, और इसी के पास में नज़दीक में रोहित यादव जी का घर भी है, यहीं पास में रोहित यादव जी का घर भी है और बहुत प्यारा लोकेशन है। और जो आप लोग के बीच में आप लोग कभी भी आइए, जब कोई चित्रकूट मंदिर से घूम के आता तो यहाँ पे नहाना अवश्य पड़ता है। तो लोग जितने लोग चित्रकूट मंदिर से होके यहाँ पर आए हैं, ये सब चित्रकूट मतलब हो क्या है यहाँ पे नहाने के लिए, तो आप लोग जरूर देखिए। और चित्रकूट का एक नया स्टाइल का जो वहाँ पे लाठी का मार होता है, आप लोग वो थोड़ा वीडियो देखिए, लाठी का जो मार होता है
यहीं पर रवि मंदिर लगा दी ना।